कहते हैं इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, अपने हाथों से ही अपनी किस्मत की लकीरों को बदलता है। और बात अगर हो स्वस्थ जीवन को जीने की, तो यकीनन वो भी इंसान के हाथों में होता है। हाथों की मुद्राएं आपके जीवन को कैसे निजात दिला सकती हैं आपकी प्रॉब्लम से, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे मुद्राओं के विषय पर, लेकिन उससे पहले यह जानना काफी जरूरी है, आवश्यक है कि जिस प्रकार योग हमारे शरीर को निरोग बनाता है, उसी प्रकार कुछ छोटी छोटी मुद्राएं भी हमें उसी प्रकार निरोग बनाती हैं। आजकल की जो भागा दौड़ की जो लाइफ है, जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, काफ़ी हम ऑफिस में रहते हैं, इसकी वजह से हमारा जो टाइमिंग होता है ऑफिस का, वो भी अलग अलग टाइम ज़्यादातर लोगों का होता है, तो उसके चलते हम स्वस्थ नहीं रह पाते। उसके पीछे कारण है कि हम कोई भी योगिक या किसी भी प्रकार का हम कोई भी व्यायाम या एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो उन्हीं के चलते कि हम जो मुद्राएं हैं उनको कैसे हम दैनिक कार्यों को करते हुए अलग से उसके लिए टाइम ना निकालना पड़े, इसलिए हम जो है आपको बताएंगे मुद्राओं के विषय पर। तो मुद्राएं, जैसे आप सभी जानते होंगे, हमारा जो यह शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इन्हीं 5 तत्वों से हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो इन्हीं 5 तत्वों के प्रतीक हैं। जैसे हमारा अंगुष्ठ है यह अग्नि तत्व का प्रतीक है, और हमारी जो तर्जनी अंगुली है, जो 1st उंगली है, यह हमारी वायु तत्व से का प्रतीक है। उसके बाद हमारी जो मध्यमा उंगली है वह आकाश तत्व का प्रतीक है। उसके बाद हमारी जो अनामिका उंगली है, जो 2nd लास्ट उंगली है हमारी, वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। और हमारी जो अंतिम उंगली है, कनिष्ठा हम जिसको बोलते हैं, वह जल तत्व का प्रतीक है। अब हमारी जो पहली मुद्रा है जिसके विषय में हम आपको बताएंगे, वो है ज्ञान मुद्रा। हमारी 1st जो उंगली है और हमारा जो अंगूठा है, आपस में उनको टच करना है, बाकी की जो 3 उंगलियाँ हैं वो सीधी रहेंगी। ये हो गई ज्ञान मुद्रा। इसके फायदे हैं, जैसे बड़े लोगों में भी आप देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रेस उनको रहता है, मानसिक तनाव उनको रहता है। अगर आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, तो आप इस प्रकार की डिजीज से, मानसिक तनाव आदि से बच सकते हैं। मानसिक तनाव में ही अंतिम स्टेज जो होती है वो ब्रेन हेमरेज जैसे फिर जो है डिजीज़ को यह उत्पन्न करती है। तो ब्रेन हेमरेज जैसे डिजीज से आप आसानी से बिना किसी डॉक्टर की सहायता से केवल 5 से 10 मिनट हम प्रतिदिन की अपने जो है दिनचर्या में इसको करते हुए इस प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। अब इसके बाद हम हमारी जो सेकंड जो हमारी दूसरी जो मुद्रा है वह है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा की जो विधि है, हमारी जो 1st उंगली है उसको अंगुष्ठ के मूल रूप में हमें लगाना है, ये ऐसे, और बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। आयुर्वेद में हमें बताया है कि हमारी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वो वात, पित्त और कफ, 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो ये तीनों जब सम रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो वायु मुद्रा जो है वो 80 प्रकार के वायु दोषगत रोगों को ठीक करती है, जैसे उंगलियों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, या हमारे कोई भी ज्वाइंट्स पेन है उनमें दर्द होना, आर्थराइटिस की समस्या का होना, इस प्रकार की जितनी भी समस्याएँ हैं, जोड़ों में जो भी दर्द या बाव जिसको हम बोलते हैं, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे हम वायु मुद्रा से बच सकते हैं। थर्ड हमारी जो आकाश मुद्रा है, या इसको हम शून्य मुद्रा भी बोलते हैं। शून्य मुद्रा में हमारी जो मध्यमा अंगुली है, जो सबसे बड़ी अंगुली होती है, उसको फिर से अंगुष्ठ के मूल में लगाना है, अंगुष्ठ को ऊपर से हल्का सा उसका जो है प्रेशर करना है, दबाव डालना है, बाकी की 3 उंगलियां ऐसे सीधी रहेगी। इनको भी हम 5 से 10 मिनट का जो है टाइमिंग इसमें जो है हमारा रहेगा, 5 से 10 मिनट समय तक हम इसको कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं या बच्चे लिख रहे हैं, अगर हमारा दूसरा हाथ खाली है तो हम उससे ये मुद्राएं बना सकते हैं, ताकि अलग से इसमें हमारा जो समय है उसका भी साथ साथ में सदुपयोग हो। और इसका जो फ़ायदा है वह है हमारे
मुख से संबंध रखता है। जैसे दांतों में पायरिया जैसे जो डिजीज होते हैं या मुख से दुर्गंध आना, इस प्रकार की जो भी समस्याएं होती हैं हम उनको इस मुद्रा से के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। आजकल की भागा दौड़ी में, आजकल के लाइफस्टाइल से हर 5 व्यक्तियों में से हर 2 या 3 व्यक्ति मोटापे से परेशान रहते हैं। तो मोटापा या ओबेसिटी जैसी डिजीज़ को, इन बीमारियों को हम हमारी जो चतुर्थ मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, उसको करने से हम इस प्रकार की बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। इस मुद्रा की विधि इस प्रकार है, हमारी जो सेकेंड लास्ट उंगली है उसको फिर से अंगूठे के मूल में हम लगाएंगे, ऊपर से हल्का सा उस पर प्रेशर करेंगे, हल्का सा दबाव देंगे, बाकी की 3 उंगलियां सीधी रहेंगी। इसका समय भी 5 से 10 मिनट हमारा रहेगा। इस प्रकार हम इस मुद्रा को करके जो ओबेसिटी, जो मोटापा है उसको हम कम कर सकते हैं। तो हमारी अब अंतिम जो आखिरी हमारी मुद्रा है वह है वरुण मुद्रा। उसकी विधि इस प्रकार है, हमारी जो सबसे छोटी उंगली है जिसको हम कनिष्ठा के नाम से जानते हैं, उसको हम फोल्ड करेंगे और अंगूठे के मूल में लगाएंगे और हल्का सा ऊपर से अंगूठे का प्रेशर रहेगा, बाकी की जो 3 उंगलियां हैं वो फिर से ऐसे सीधी रहेंगी। इस मुद्रा को करने से हमारे शरीर के अंदर काफ़ी विजातीय द्रव्य होते हैं जो बाहर नहीं निकल पाते। इस मुद्रा को करने से हम उन द्रव्यों को बाहर निकाल कर उन विजातीय द्रव्यों से होने वाले रोग जैसे स्किन डिजीज, चर्म रोग किसी भी प्रकार के, और साथ ही साथ में किडनी के रोग या फिर शरीर के अंदर किडनी के अंदर स्टोन या पत्थरी बनना, इस प्रकार की जो व्याधियां हैं, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, इस मुद्रा को करते हुए हम इन बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई मुद्राओं को अगर आप प्रतिदिन अपने रोज़मर्रा के अगर जीवन में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को और ज़्यादा खुश रहेंगे।